क्लास 10 एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट है। टेन थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाय 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस सीकेंड थीटा कोसेक थीटा। तो देखो, एक तो इसको सॉल्व करने का ये तरीका होता है कि टेन और कॉट को हम जो है साइन कॉस के टर्म में चेंज करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है। इससे भी एक ईजी तरीका जो है उससे सॉल्व कराता हूँ आपको। तो उसमें हम क्या करेंगे, साइन कॉस में चेंज करने की बजाय लेफ्ट हैंड साइड को जो है हम 10 की टर्म्स में चेंज कराएंगे। जैसे कि ये 10 तो है ही, और कॉट की जगह क्या लिख देंगे, 1 बाई टेन थीटा, कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है। तो देखो, 10 थीटा ये हो गया एज इट इज अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाय टेन थीटा। सिमिलरली यहाँ पे प्लस कॉट थीटा को 1 बाय टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। नाउ यहाँ देखिए, ये ऊपर टेन थीटा सेम, और नीचे अगर हम इसका एलसीएम लेंगे ये आ जाएगा टेन थीटा, और टेन थीटा से मल्टीप्लाई होके टेन थीटा माइनस वन। सिमिलरली यहाँ पर ये वन बाय टेन थीटा, अब देखिए जो वन माइनस टेन थीटा है, अगर हम इसमें से एक माइनस साइन कॉमन लें, तो माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये जो वन है ये हो जाएगा माइनस वन, ठीक है, और जो माइनस टेन थीटा हो जाएगा प्लस टेन थीटा, दोनों में से हमने एक माइनस साइन कॉमन ले लिया। नाउ अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, वन बाय ये टेन थीटा इसके नीचे इंटू में आ जाएगा, और ये माइनस साइन जो है इस प्लस के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस साइन क्या हो जाएगा, माइनस का। नाउ यहाँ पे नीचे बचा ये टेन थीटा, और इंटू में ये माइनस वन प्लस टेन थीटा है, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं टेन थीटा माइनस वन, ठीक। और यहाँ पर देखिए, ये टेन थीटा माइनस वन के अपॉन में टेन थीटा है, अगर इसको ऊपर रेसिप्रोकेट करें तो ये टेन थीटा इस टेन थीटा के साथ आ जाएगा, तो ये टेन थीटा अगर ऊपर आता है तो ये हो जाएगा टेन स्क्वेयर थीटा और अपॉन में टेन थीटा माइनस वन। और देखिए, इस पार्ट में और इस पार्ट में दोनों में टेन थीटा माइनस वन है, तो हम क्या कर सकते हैं, टेन थीटा माइनस वन को कॉमन ले सकते हैं डिनोमिनेटर से, टेन थीटा माइनस वन हमने कॉमन ले लिया, और अंदर इस वाले पार्ट में हमारे पास बचेगा टेन स्क्वेयर थीटा, और यहां पे टेन थीटा माइनस वन जाने के बाद वन बाय टेन थीटा। नाउ अब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, बाहर तो ये वन बाय टेन थीटा माइनस वन एज इट इज है ही, और अंदर हम इनका एलसीएम लेंगे तो टेन थीटा इंटू टेन स्क्वेयर थीटा हो गया टेन क्यूब थीटा माइनस वन अपॉन में टेन थीटा। और अब ये जो टेन क्यूब थीटा माइनस वन है, इसमें हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे कि वन है, वन को तो वन का क्यूब बोल ही सकते हैं, तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब की यहाँ पे आइडेंटिटी लग सकती है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं यहाँ पे। नाउ अगेन ये 1 बाय टेन थीटा माइनस वन एज इट इज, एंड टेन क्यूब थीटा माइनस वन क्यूब की जगह पे हम लिखेंगे ए माइनस बी, मतलब टेन थीटा माइनस वन, और फिर ए स्क्वायर तो टेन थीटा का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो ये 1 का स्क्वायर हो गया, और प्लस ए इंटू बी टेन थीटा इंटू वन, तो यहां आ जाएगा टेन थीटा और अपॉन में टेन थीटा एज इट इज। नाउ देखिए, ये भी टेन थीटा माइनस वन है, ये भी टेन थीटा माइनस वन है, तो दोनों को हम ऐसे कट कर सकते हैं। अब हमारे पास सिर्फ ये ब्रैकेट और नीचे इसके टेन थीटा बच गया। तो यहां देखो, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो है इसका फॉर्मूला होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा, और प्लस में टेन थीटा अपॉन ये टेन थीटा है, और अब ये जो टेन थीटा है इसको हम दोनों से सेपरेटली डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा बाय टेन थीटा प्लस टेन थीटा बाय टेन थीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, वन आ गया। तो हमें जो राइट हैंड साइड में लाना है वन, वो तो यहां से आ गया है। अब इस टर्म को हमें सीकेंट थीटा और कॉसेक थीटा में कन्वर्ट करना है। तो देखो, सीकेंट थीटा को हम जब साइन कॉस के टर्म में चेंज करते हैं तो वो होता है वन बाय कॉस, और यहाँ सीकेंट स्क्वायर थीटा है तो हम इसको लिख सकते हैं
वन बाय कॉस स्क्वेयर थीटा, और इनटू में ये जो नीचे टेन थीटा है इसके यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं साइन बाय कॉस, तो टेन थीटा को जो है लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ये अपॉन में था इसलिए जो है टेन थीटा को मैंने अपॉन में ही साइन बाय कॉस लिखा। नाउ इस कॉस थीटा से एक स्क्वेयर कट गया और ये हमारे पास बचा वन बाय कॉस थीटा और वन बाय साइन थीटा, और साथ में ये प्लस में वन है ही, तो वन अगर आप पहले लिखना चाहें वन, और उसके बाद ये वन बाय कॉस हो जाएगा सीकेंट थीटा, और वन बाय साइन हो जाएगा कॉसेक थीटा, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ्ड।